चलो नेक्स्ट, अभी लास्ट हमने डिस्कशन किया अबाउट हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, बराबर है। देखो हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर ध्यान देना, पे अटेंशन हियर ऑन द बोर्ड है एवरीवन। नेक्स्ट इज आई टॉक अबाउट दिस हॉलो सिलेंडर। असली हॉलो सिलेंडर में टोटल देयर बी फोर केस। इसको हम कौन से तरीके से देख सकते हैं, चलो फर्स्ट ध्यान देना है। ज्योमेट्रिक एक्सिस क्या होता है इसका, जो उसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के सेंटर से पास होता है। मतलब अगर मैंने हॉलो सिलेंडर लिया है ऐसा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज द हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर के यहां से पास हो रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर है येलो। इसको हम कहते हैं इसका नेचुरल एक्सिस, दिस इज सेड टू बी द नेचुरल एक्सिस, ज्योमेट्रिक एक्सिस। चलो मैंने पहले ही बताया आपको, अगर ये इसका रेडियस है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है सेंटर पे, आप यस और नो, कुल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, सिमिलर टू अ रे, सही है। बोलो रे के सिमिलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ये रे, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट अभी आगे सेकंड केस में, अगर इसी को एक पैरेलल एक्सिस है जिसको टेंजेंशियल पास होता है, फॉर एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू ज्योमेट्रिक एक्सिस, चलो क्या यूज करूंगा, कौन सा थ्योरम आना चाहिए, तो ये रहा यहां, तो ये इसका नेचुरल एक्सिस है और ये इसका जो न्यू एक्सिस है, तो यहां पे जो होगा जिसको कि आईसी ना, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको पहले ही बताया होगा, अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है तो योर ओरिजिनल एक्सिस मस्ट ऑलवेज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, पोजीशन कैसा भी हो सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए। बोलो अभी ये क्या हो जाएगा, आई नॉट, बोलो इनके बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आर के, तो बोलो क्या यूज करूंगा यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो आई नॉट विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर
तो बोले कितना आ जाएगा 2 mR² समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू द रिंग ना, ये रिंग को पास हो रहा है टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वही है ना। तो नेक्स्ट आगे थर्ड केस में हम बात करते हैं अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा दे रहा हूं, मैंने वर्टिकल ना और ये कैसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, बट एक्सिस वैसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है ये? तो लाइक दिस ये आपका जो होलो सिलेंडर है वो ऐसा हो चुका लाइक दिस, सही है। अभी ये सेंटर ऑफ मास है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आया, सो न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पर अभी वो ज्योमेट्रिक एक्सिस को कैसा हो चुका है परपेंडिकुलर। तो चलो अभी इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बोले अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को देखते हो तो रिंग की तरह ही है ना, दिस इज सिमिलर टू व्हाट रिंग, ये वाले पार्ट को देखते हो, ये वाले पार्ट तो बोले ये किसके सिमिलर रॉड ना, इफ यू सी फ्रॉम हियर यू विल सी अ रिंग, इफ यू सी फ्रॉम टॉप यू विल सी अ रॉड, सो इसके लिए वो किसके सिमिलर है, रिंग प्लस रॉड बराबर है। रिंग और रॉड के सिमिलर। चलो अभी मैं अगर यहां पे भी रिंग को शो करूंगा लाइक दिस, अंदर से मेरी ऐसा दिखाई देगा लाइक दिस, तो बोलो ये जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है ना, तो रिंग के लिए वो एक्सिस कैसा हुआ, देख के बोलो रिंग के लिए वो एक्सिस कैसा हुआ, अलोंग द डायमीटर ना, अरे बोलो यार ये उसका क्या हुआ डायमीटर, बोले एक्सिस किससे पास हो रहा है उसके डायमीटर, इट इज अलोंग द डायमीटर, तो रिंग के लिए वो कैसे अलोंग द डायमीटर, और बोलो अगर रॉड लिया ऐसा रॉड कि ये रॉड है, ये सर्कल को मत देखो सिर्फ रॉड है ये, तो बोला रॉड के कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से ना, कहां से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास, ये रहा ये बोले सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड क्या होता है mL²/L ना, तो कैन आई से दिस सिलेंडर हियर सिमिलर टू रिंग प्लस रॉड, रिंग भी है रॉड भी है, तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इट विल बी इक्वल टू I ऑफ रिंग प्लस I ऑफ रॉड ना, बोलो रिंग का क्या होता है mR²/2 वाई वाई राइट mR²/2 बिकॉज आई एम कंसिडरिंग अलोंग द डायमीटर, सही है, प्लस क्या होगा बोलो ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है हेलो यस और नो, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट इज इसी को अगर टेंजेंट पास किया टेंजेंट पासिंग अलोंग द होलो सिलेंडर पैरेलल टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्री एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं ऐसा एक्सिस ले रहा हूं जो कहां से पास हो रहा है सेंटर से, नहीं सॉरी ऐसा एक्सिस जो कहां से पास हो रहा है टेंजेंट से, और जिस किसको पैरेलल है
ऐसे एक्सिस को जो कहां से पास हो रहा है, सेंट्रोमास से, और ज्योमेट्री एक्सिस को कैसा है, परपेंडिकुलर। सो टेंजेंट पासिंग अलोंग द होलो सिलेंडर पैरेलल टू एक्सिस परपेंडिकुलर ज्योमेट्री एक्सिस एंड पासिंग थ्रू व्हाट, सेंट्रोमास। क्लियर है ये? तो क्या हो जाएगा इसका, कोई बता सकता है डायरेक्ट फॉर्म में क्या हो? सिलेंडर देख लेता है, बोले ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये हो गया आईसी, ये नया एक्सिस है ना, सही है। बोलो रोड के लिए वाला डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू, पूरा डिस्टेंस कितना होगा एल ना, लेंथ कितना होगा एल, ये डिस्टेंस कितना होगा एल बाय टू। तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड कितना होगा। ये तो अभी भी एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा ना, क्योंकि ये तो अभी भी डायमीटर क्या लॉन्ग ही है। yes. अरे बोलो यार, yes. किसके लॉन्ग है, दिखता है हाँ। क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय टू, बट ये रॉड के पहले कहां से पास हो रहा था, सेंट्रो मास से, अभी रॉड के कहां से पास हो रहा है, एंड से ना। तो बोले कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय टू, अगर आपको याद हो किसके लॉन्ग पास हो रहा है डायमीटर, ये किसके लॉन्ग पास हो रहा है अलोंग दी नहीं समझा ये हेलो ये 3 एम आर स्क्वायर बाई टू कब होगा, जब ये यहां से नहीं यहां से पास होगा एंड से, ये सेंटर से पास होना है यार, तो सेंटर से नहीं उसको टेंजेंट पास होना चाहिए। टेंजेंट किसको पास हो रहा है, रॉड को कि रिंग को, रॉड रिंग के तो डायमीटर क्या लोगे ना, तो रिंग के डायमीटर क्या लोगे तो टेंजेंट कहां से हुआ, अरे दिस इज द रिंग हियर, तो रिंग को टेंजेंट उसके सेंटर से पास होना चाहिए कि एंड से, रिंग के लिए तो सेंटर से पास हो रहा है ना, एंड से कहा किसके लिए पास हो रहा है, रिंग के लिए कि रॉड के लिए, समझा क्या हाँ। तो टेंजेंट किससे बन रहा है, रिंग से कि रॉड से, रिंग के लिए तो अभी डायमीटर क्या लॉन्ग ही है, समझ आ रहा है ये। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाई टू, अरे बोलो यार समझ आ रही है, सॉलिड सिलेंडर इसका बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड सिलेंडर में वो क्या होगा, सेम केस है, रिंग क्या बन जाएगा, डिस्क ना, आएगा तुम खुद से बना लेना, मैं बार बार निकालते बैठूंगा, और ये एक्सिस का भी नाम सेम खुद भी लिख देना है ना, तो एक्सिस का नाम तो मैं डायग्राम बना दूंगा, इतना समझिंग से बार 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 नहीं लिखूंगा मैं, ये सॉलिड सिलेंडर है बराबर है, ये रेडियस है यार, सही है। ये सॉलिड सिलेंडर, तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फिर एक्सिस का नाम खुद से लिखना है, बोले किसके सिमिलर है, yes. तो इसका आई क्या होगा, बराबर है yes. लो बोलो सेकेंड के लिए क्या होगा, फिर बोलते जाओ पटा, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर पक्का, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सही है ये, आगे थर्ड वाला
बोले क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये क्या होगा इसका जो आई होगा, दैट विल बी आई ऑफ रिंग, सॉरी आई ऑफ डिस्क प्लस रॉड ना, और डिस्क कहाँ से पास हो रहा अलोंग द टाइम, तो बोले इसका आई क्या होगा प्लस, ये रहा ये फाइन, और लास्ट केस यही होगा हमने दिखाया एक्सिस लिख लेना खुद से, तो नेक्स्ट इज यहाँ से एल बाई टू सही है, तो इसका क्या होगा This is a long diameter. So I is going to be plus temperature. So here I get the moment of inertia. So these are the different types of moment of inertia for solid cylinder. Here I yellow. Once again I will repeat. Axis kuch se nikla without the axis aapko samjhega nahi kya hai kya nahi. Here I और फिर आप इसके k का वैल्यू लिख सकते हो रूट ऑफ आई बाई एन ना, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, तो k का वैल्यू भी लिख देना सकता है ठीक है, तो क्या होगा रूट ऑफ i बाय एम, बड़ा खत्म करो
Gracias.
एक्सेस के लिए क्या पूछे आपको वहां पे कॉपी मत करो बैठ के हो गया ये डन नेक्स्ट से वो लास्ट तीन बज जाते हैं इसका के का वैल्यू लिखा था हमने के इज व्हाट रूट ऑफ आई बाय एल सो एम एम विल कैंसिल आउट एम एम टर्म विल बी द वैल्यू ऑफ के आगे आके हमको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जरूरत पड़ता है रोलिंग मोशन में चलो अभी ध्यान देना है आपने आगे बात करते हैं पे अटेंशन अभी सी लास्ट थ्री बॉडीज लैमिना का बात करते हैं आई थिंक वी आर डन विद अराउंड 20-25 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बस है मोर देन एनफ इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन होता नहीं एक आधा एक्स्ट्रा बॉडी आ जाए तो समझ जाने का वो समझ जाता है कोई निकालने में सिमिलर ही होता है स्टैंडर्ड शिफ्ट हमने कर लिया इतना याद रखो बस है और ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद होना चाहिए कितना वैल्यू ठीक है चलो नेक्स्ट सर अभी लास्ट तीन जो है वी हैव टू रिमेंबर The moment of inertia for rectangular lamina, square lamina and triangular lamina. और triangle में हम लोग follow करते हैं equilateral triangle. याद रखना है value diagram. एकदम simple है याद रखना. कोई बड़ी बात नहीं. चलो हो गया सबका ये. ये तीनों body के लिए जो भी दे रहा हूँ मैं rectangular lamina, square lamina and triangular lamina जो ले रहा हूँ. सबका जो axis of rotation है वो उसके center of mass से pass हो रहा है.
उसके प्लेन को कैसे है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले अगर मैंने कंसीडर किया प्लेट जैसा लाइक दिस ये। अगर ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसा पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो एक्सिस जो है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ध्यान से देखो रेक्टेंगुलर लैमिना, अगर मैं इसको ऐसा पीसेस में कट करूंगा, अगर मान लो इधर से ऐसा कट करता हूँ इसको लाइक दिस, ये ऐसे कट कर लाइक दिस, समझा? यहां से ऐसा कट किया, यहां से ऐसा कट किया, ऐसा कर ड्रॉ करो नीचे, देखो ऐसा, यहां से ऐसा कट कर रहा हूं इसको ऐसे लेयर्स। तो एक पार्ट को अगर निकालता हूं मैं, क्या बन गया रॉड ना? हाँ। क्या बन गया वो रॉड, सही है? यस। तो ये सब क्या है? रॉड है ना, क्या है सब? रॉड। और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास। प्लस अगर मैं उसको ऐसे कट करूं ऐसे, तो ये भी तो रॉड ही है। हाँ। अभी इसका लेंथ क्या होगा? बी ना। हाँ। ये रॉड लिया तो लेंथ क्या है? एल। ये रॉड लिया तो लेंथ क्या है? बी। कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो कैन आई से अ रेक्टेंगुलर लैमिना इज मेड अप ऑफ टू रॉड्स ना, वन हैविंग लेंथ एल, वन हैविंग लेंथ बी। सो व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? सेंटर ऑफ मास ना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? कैन आई से इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mv स्क्वायर बाय 12। नहीं समझा? समझा ये? सो इट हैज टू रॉड्स, वन हैविंग लेंथ l, वन हैविंग लेंथ b, और दोनों के सेंटर ऑफ मास के पास हो रहा है, दोनों कंबाइंड है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय 12। क्लियर है ये? yes. चलो यही जब स्क्वायर लैमिना बन जाएगा तो ये ऐसा, ये स्क्वायर लैमिना, तो बाबा इसमें खाली डिफरेंस क्या होगा? एल बी खाली एल हो जाएगा ना, तो बोलो ये बी विल बी इक्वल टू व्हाट? एल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका? प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 विच इज एम एल स्क्वायर बाय 6। क्या होगा ये? ml स्क्वायर बाय 6। क्या बोलते हो भाई? समझ आ रहा है? और लास्ट है ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना क्या होगा? एनीवन? इसका क्या होगा? देखो ऐसा होगा, ये अगर ट्रायंगल ले लिया मैंने,
और ये अगर उसका सेंटर ऑफ मास है सेंट्रोइड ना, तो ऐसे पास हो रहा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, यस और नो? तो साइड लेंथ कितना होगा, ए इज गोइंग टू बी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर बाय सिक्स, क्या होता है इसका, याद रखिएगा अभी हर एक चीज डिराइव करने की जरूरत नहीं, तो इसका कितना होता है ml square by 12 plus mb square by 12 ml square by 6 ma square by 6, क्या है ये यूजफुल डेटा है, MCQ पे काम आता है, तो थोड़ा नोट डाउन करना ये, फिर हम स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जी मोमेंटम एंड टॉर्क वाला पार्ट। हो गया हो गया ये। तो ध्यान देना यहाँ पे, पे अटेंशन दिया। Next, we talk about the three important terms related to rotational motion plus बाकी और भी जो काइनेमेटिक्स है वो, अब इसी इसमें हम तीन important terms का बात करते हैं। सबसे पहले we talk about kinetic energy of a rotating body, second is we talk about angular momentum of a rotating body, and third is we talk about torque active on a rotating body। जैसे लीनियर मोशन करवाने के लिए वो क्या चाहिए होता है, फोर्स ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन, व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ लीनियर मोशन, फोर्स। वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए जो कॉज होता है
वो कौन होता है टॉर्क। रोटेशनल मोशन किसके वजह से होता है? टॉर्क के वजह से, है ना। ध्यान देना अभी यहाँ पे अटेंशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अच्छा अगर मैं बात करूं अबाउट अ बॉडी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी क्या कर रहा है? अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो बोलो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। It has what? Translational kinetic energy. और वो kinetic energy का formula होता है तो सबको पता है half mv square, जहां पे m is the mass of the body and v is the velocity of the body, है ना। But now here instead of translational motion the body is performing what? Rotational motion. बॉडी का जो मोशन है अब रोटेशनल मोशन, इट इज रोटेशनल मोशन। इस और बोला अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको बोला कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एनालॉजी कैसे बनाऊंगा? बोले जब लीनियर मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन होता है, हु डज द वर्क ऑफ इनर्शिया? मास। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, हु डज द वर्क ऑफ इनर्शिया? तो कैन आई से जो काम मास का है वो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मास का एनालॉजी कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोले वहां पे उसके पास कौन सा स्पीड है? लीनियर स्पीड। यहाँ पे उसके पास कौन सा स्पीड होगा? एंगुलर स्पीड। तो v क्या पे कौन आएगा? ओमेगा। m क्या पे कौन आएगा? i। तो बोले ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? यस। ये उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। क्या होगा ये? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है? हां क्लियर है ये? यस। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? आपका समझा व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? तो हमेशा याद रखिए जब भी आप रोटेटिंग बॉडी के एनर्जी का बात करोगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी का नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई उसका क्या है? मोमेंट ऑफ एनर्जी। ओमेगा क्या है उसका? एंगुलर वेलोसिटी। और क्लियर है ये? नेक्स्ट ध्यान देना है, इफ वी क्रिएट एन एनालॉजी बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ध्यान देना बोल चलो, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन, सबसे पहला टर्म जो हमने अभी यहाँ पे देख लिया तो उसका एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर है।
यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे वही मोमेंटम बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। बोला एम क्या पे कौन आएगा, आई बी क्या पे ओमेगा। थर्ड बोलो इसके लिए कौन सा मोशन, मोशन ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या लगता है, फोर्स विच इज मास इनटू। बोले यहाँ पे फोर्स क्या पे आ जाएगा, टॉर्क। रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा फोर्स लगता है, टॉर्क। बोलो मास यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक यहाँ पे कौन आएगा, अल्फा। क्लियर है ये, हेलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट पावर हियर, बोलो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे क्या पावर होगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। यहां पे कैन आई से इफ आई टॉक अबाउट वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना, दैट इज एफ इनटू एस। और यहां पे वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा है ना, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये। नेक्स्ट इज I can also write force as change in momentum with respect to time, na? Similarly, here I can write as torque will be change in angular momentum with respect to time. Yes or no? Clear hai, hello? Yes. समझ में आ रहा है? Can I? हाँ. Next is काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है विच इज गिवन एज पी स्क्वायर बाय 2m है ना, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बोले यहां पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2m, सॉरी एल स्क्वायर बाय 2r। क्लियर है ये, समझ आ रहा है ये। दिस आर ऑल द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। और प्रीवियस एनालॉजी तो हमने सर्कुलर मोशन में बनाया, कैस के यहाँ पे कौन आता है थीटा, वी के यहाँ पे कौन आता है ओमेगा, ए के यहाँ पे कौन आता है अल्फा। देयर आर फ्यू काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर लीनियर मोशन, सिमिलरली देयर आर काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से क्या बनता है, रोटेशनल मोशन। सो यू कैन फॉलो द सेम एनालॉजी फॉर रोटेशनल मोशन। क्लियर है ये। तो ये सब एनालॉजी है बिटवीन व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है ये। चलो अभी हमको दो टर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें एंगुलर मोमेंटम। किसके बारे में बात करें हम लोग, एवरीबडी ऑन द बोर्ड। क्या होगा देखो, वॉट इज एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनना। जब भी हम कोई बॉडी की बात करते हैं, जब वो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, हम कहते हैं कि उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है उसके पास, पी बार सीधा। अब कोई भी बॉडी जब आपको टर्निंग इफेक्ट देता है ना, टर्निंग इफेक्ट, इट इज गिविंग यू व्हाट, टर्निंग इफेक्ट। कोई भी बॉडी क्या दे रहा है आपको, टर्निंग इफेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होगा वो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होगा, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया,
ये सब कौन सा इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट ना, कोई चीज घूम रही है, हाँ है ना, तो उसके पास कौन सा मोमेंट होगा बोलो, सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, कौन सा मोमेंटम होना चाहिए फिर? इट मस्ट बी लीनियर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम। यहां पे जो मोमेंटम होगा ये एंगुलर मोमेंटम होगा एल बार, क्या होगा ये एंगुलर मोमेंटम एल बार। इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से, व्हाट हैपेंस हियर। सी एंगुलर मोमेंटम को ना मैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहता हूं, कहता हूं मैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सी ये चैप्टर में ना हर क्वांटिटी के पीछे ना, तो हर क्वांटिटी आगे प्रीफिक्स बोल सकते हैं, हर क्वांटिटी आगे ना मोमेंट लगता है, हर क्वांटिटी आगे क्या है मोमेंट। और मोमेंट का मतलब इन एनी टर्निंग मोशन, रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, ये इंडिकेट करता है कि उसके पास कितना एबिलिटी है घूमने का, कितना एबिलिटी क्या करने का घूमने का, और उससे एसोसिएटेड टर्म। और जब भी आप कोई भी टर्म के आगे मोमेंट लगाते हो ना, तो इट बिकम्स नेसेसरी टू मल्टीप्लाई इट बाय वन टर्म, एंड दैट टर्म इज सेड टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको मोमेंट आर्म भी कहते हो। क्या कहते हैं इसको? मोमेंट आर्म। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये आप कहां से लेते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कहां से लेते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन, एंड द लाइन ऑफ एक्शन। बता दो मैं सब क्या हो, मैं क्या बोला, जब भी कोई भी टर्म में क्या आ जाएगा? मोमेंट। क्या आ जाएगा? आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे मल्टीप्लाई करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे कहां से लेना होता है? एक्स ऑफ रोटेशन फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर, है ना, टू द लाइन ऑफ एक्शन, टू द लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन वगैरह क्या है? प्लस सी टू। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो बता दूंगा आपको, कभी आपने सीसॉ देखा है? सीसॉ भाई वो कर रहे हो, ये सीसॉ है अगर बराबर है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, एम वन एम टू, सही है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये दोनों जो मास है ना एम वन एम टू, वो दोनों सेम है, कैसे है? सेम। तो आप कहोगे बैलेंस रहेगा ना, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे ये वाला जो ना M2 ये नीचे जा रहा है, और जो M1 है ना M1 वो ऊपर जा रहा है। समझा मेरा? मैंने क्या बोला कि सीसो पे दो मासेस है, एक का मास कम है, दूसरे का मास ज्यादा है, कि सेम बोला? सेम। M1 M2 कैसा है? सेम। फिर भी मैंने क्या कहा कि M2 का इफेक्ट ज्यादा है और M1 का इफेक्ट कम है। M2 का कौन सा इफेक्ट ज्यादा है? टर्निंग इफेक्ट। M1 का कौन सा इफेक्ट कम है? टर्निंग इफेक्ट। ये टर्न होगा ना ऐसा, अरे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना यार। तो देखो दोनों मासेस सेम है, फिर भी दोनों का टर्निंग इफेक्ट अलग अलग है, ऐसा और नो? तो ये टर्निंग इफेक्ट अलग अलग कौन कर रहा है? ये टर्निंग इफेक्ट कौन चेंज करता है? मोमेंट ना। और मोमेंट मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम फ्रॉम द एक्सिस, द ओरिजिन ना, ओरिजिन ये रहा। मान लो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, मैं कहता हूं r2 इज ग्रेटर देन r1, r2 इज ग्रेटर देन r1, तो बोलो सिर्फ m1 m2 बोलूंगा तो क्या होगा? मास ना। बट मैं m1 को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं, m2 को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ मास। क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ मास। और इसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा? m1 r1। इसका क्या होगा? इसका मोमेंट ज्यादा है m2 r2 का क्या? m1 r1 का। बोलो ये मोमेंट ज्यादा है ना, तो किसका इफेक्ट ज्यादा है? m2 r2। किसका कम है? m1 r1।
तो बोलो नीचे कौन जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, देख रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्रिएट कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट, जिसका सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा, इसका इंपैक्ट ज्यादा, इसका टर्निंग इफेक्ट कम, उसका इंपैक्ट कम, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है ये? तो कोई भी घूमने वाला जो क्वांटिटी होता है, कोई भी घूमने वाला जो क्वांटिटी होता है उसके साथ हमेशा कौन एसोसिएट होता है, मूवमेंट, मूवमेंट एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई होने वाला है, किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द ओरिजिन एंड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन विड्रॉ करूंगा, क्लियर है ये? तो चलो अभी मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इसका फॉर्मा देखो क्या बने, इधर ध्यान दो सब लोग, पे अटेंशन हियर प्लीज, तो एल क्या होगा, अभी एल विल बी मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करेगा, उसके लीनियर टर्म से, उसके एंगुलर मोमेंटम का लीनियर टर्म क्या है, लीनियर मोमेंटम ना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोला एल बार क्या होगा, पी बार ना, एन टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर, इसको रहने दो, पी रहने दो, चलो सही है, ए वेक्टर फैक्टर बाद में डालते हैं, एल क्या है, पी इंटू आर, दैट इज व्हाट, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, क्लियर है ये, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट फाइन, सुना है ना कभी ये फॉर्मूला, एंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर और एम वी आर, इज इट फाइन, समझ में आ रहा है ये, आप लोग हो यहाँ पे कि नहीं, हेलो उधर सो रहा है, उठो यार देखो इधर, हेलो एल क्या होगा, एम बी आर, चलो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या लीनियर मोशन में, क्या लीनियर मोशन में एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन कैन देयर बी एंगुलर मोमेंटम, सुन रहे हैं आप लोग, मैं खाली अभी आप बड़बड़ कर रहा हूँ, अभी उठा के पूछू चार लोग, हाँ सीधे बैठ लो खरा पहले, तो क्या होगा, माय क्वेश्चन टू यू इज के ड्यूरिंग लीनियर मोशन ए बॉडी सीधा चल रहा है, पार्टिकल सीधा चल रहा है, कैन आई एक्सपेक्ट के टू हैव एंगुलर मोमेंटम, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, सवाल समझा, भेजा तक जा रही है कुछ बात, खाली बैठ के ऐसा देख रहे हो मन की तरह मेरे को क्या बन रहा है करके ढाई घंटे से, आई ट्राइंग टू प्रोसेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम टेलिंग यू कि अ लीनियर मोशन इज गोइंग ऑन कैन इट हैव एंगुलर मोमेंटम, यस और नो, आंसर इज यस इफ इट इज सीन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर and not with respect to the body which is performing linear motion. देखो कैसे, see here, pay attention here, देखो यहाँ पे मेरे सामने से कोई चल के जा रहा है, मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ, है ना, so I'm sitting here and someone is passing by here, ना like this. वो जब यहाँ पर है तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ सामने, और वो ऐसे चल रहा है, with respect to him or her it is a linear motion na, yes. but with respect to me it is an angular motion, see how, jab ye chalte jayega aisa bolo ek distance pe jab wo pahunch jayega what I need to do if I want to observe him or her, bolo mujhe mundi ghumana padega na aise, to mere liye dekho na angle change ho raha hai na aisa, to maine kya trace kiya angle, to mere liye motion kaisa hai angular, kaisa hai angular, A linear motion can also be angular, but with respect to whom, the body performing linear motion or the observer? Clear है कहीं? किसके respect से होता है ये? Fine, fine, fine. Yes or no? तो देखो ऐसा, इधर देखो. I'm talking about linear motion. Linear motion में angular momentum कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ मैं. ध्यान से सुनना. Pay attention here. I say this is x and y axis here. कान खोल के सुन लेना,
कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे सब बुक वगैरह में लिखा नहीं होता है, इसलिए फिर लेके आते हो ये सब, तो कुछ समझ में नहीं आता करके। ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठा है कोई तो देख रहा है, एंड देयर इज समवन वॉकिंग बाय हियर। पहले यहां पर है ऐसा, तो ये तो सीधा ही चल रहा है ना, तो इसके पास मोमेंटम होगा कौन सा होगा, लीनियर मोमेंटम। और इसका स्पीड है यहाँ पे एम बी, कितना है यहाँ पे एम बी, और लो क्लियर है ये फाइन। या तो आप ऐसा ले लो इसको और इजी कर दो तो आपके लिए, यहां पर था पहले यहां पर, सही है। इधर देखो ध्यान देना यार, बीस ये ऑब्जर्वर है और यहां पे था पहले, कितना है एम बी, सही है। वो चल के यहां पर आया, अभी भी कितना है एम बी, पहला उसका पोजीशन ये है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑब्जर्वर, सामने सामने देख रहा है। अभी बोलो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पोजीशन क्या हो गया, ये हुआ कि नहीं, दिस इज द न्यू पोजीशन है। हेलो, सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अभी एंगल ट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये है ये एंगल थीटा है, ये क्या एंगल, तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा, पहले वो इधर था अभी इधर आ गया, इट इज ट्रेसिंग सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू मी ना, एंड इफ इट इज ट्रेसिंग सम एंगल फॉर द ऑब्जर्वर दिस इज लीनियर मोशन एंगुलर मोशन, तो उसके साथ जो मोमेंटम वो ऑब्जर्वर एसोसिएट करेगा दैट इज गोइंग टू बी लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, समझ में आ रहा है। और एंगुलर मोमेंटम जब वो निकालने का ट्राई करेगा तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका कैसा है, लीनियर मोमेंटम into the perpendicular distance, है ना? Yes. Between what? Observer and line of action of object performing motion. ये सुनो अभी कैसे निकालते हैं, इसी में तुम पूरा बर्बाद करके आते हो कॉन्सेप्ट। What do you mean by line of action? See, line of action is a line along which the object is moving. ये रहा देखो, ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, हाँ। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ ना, हाँ। ये क्या है उसका लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोलते हो भाई, यस और नो, ये क्या है उसका लाइन ऑफ एक्शन, ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला समझ में आ रहा है, यस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। और ऑब्जर्वर किधर है, ये रहा ना, सही है। yes. तो बोला अभी ये जो होगा ना, ये देखो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये भी है ये भी है, पर आप ये तो नहीं लोगे ना, क्योंकि इधर थोड़ी मोशन हो रहा है, इधर हो रहा है ना भाई, पार्टिकल इधर है, तो बट ऑब्वियसली इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ऑब्जर्वर का, ये वाला देखेगा तो इधर ही ना, और मूव करने वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये ऑब्जर्वर, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, समझा क्या, ये होगा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आया ना, ठीक है मेरा पॉइंट, हेलो समझा क्या, नहीं समझा, फाइन फाइन फाइन, यस हेलो। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालू, देखो ओरिजिनली आप क्या करते हो, ओरिजिनली आप थीटा ऐसे नहीं लेते हो, ओरिजिनली आप थीटा हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेते हो, हॉरिजॉन्टल ना, तो मैं ये थीटा के बाद ये थीटा निकाल लूं चलेगा, हेलो कोई भी थीटा निकालो मिलेगा तो सही ना आंसर, मैं मेरे लिए आसान क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कि बाबा ये एंगल पे हो, क्लियर ना, तो बोलो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये, सर आर कहां से आया, इसको इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये आर, पर मुझे ये वाला डिस्टेंस है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर है क्या आर साइन थीटा, इसलिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, समझा दिया, क्लियर है ये, फाइन, ये एम वी आर साइन थीटा फॉर्मूला कब यूज होता है, जब पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर साइन, तो ये जो आपने फलाना दिन का निकाला है एम वी आर, ये कितना आएगा, बोले इसके लिए थीटा कितना होगा 90,
ऐसा कैसा थीटा 90 के लिए हम कौन से बॉडी का हम कौन से मोशन का बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन आए उसके लिए मैंने क्या बोला एंगुलर मोमेंटम की तो आता है एमवीआर ना हमने ये भी कहा है कि फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग व्हाट सर्कुलर मोशन तो अगर मैं रोटेटिंग बॉडी का खाली एक ही पार्टिकल लूं तो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन ऐसा ना बोले ये क्या है उसका ये ऑब्जर्वर है ये पार्टिकल है ये उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये क्या है उसका रेडियस बोलो ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ एक्शन ये है पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन ये है बोले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना है दोनों बीच में इसके बीच में देखो ना ये आर साइन थीटा हो रहा था ना और यहाँ पे देखो वो आर साइन थीटा क्या बन जाएगा आर ना नहीं समझा ये लाइन ऑफ एक्शन किसका है ऑब्जर्वर ये लाइन ऑफ एक्शन किसका है दोनों दूसरे डिस्टेंस आर साइन थीटा क्या है बोले थीटा यहाँ पे कितना हो गया समझा क्या नहीं समझा बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अब देखो थोड़ा सोचो यहाँ पे सर एंगल 90 क्यों लिया आपने और यहाँ पे क्यों ले लिया सी यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली एंगल 90 किया ना यहाँ पे ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन देखने जाओगे ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना ऑब्जर्वर इसके अलॉन्ग देख रहा है इसको समझा और पार्टिकल इधर जा रहा था तो ये एंगल थीटा हुआ उनके बीच में और मैंने डिस्टेंस कौन सा लिया परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस दिया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाने के लिए मैंने दोनों के बीच का एंगल कितना कर दिया 90 बट वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फिर आर रहा कि आर साइन थीटा हो गया बट यहाँ पर देखो ना ओरिजिनली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑब्जर्वर का और लाइन ऑफ एक्शन है पार्टिकल का उनके बीच में ओरिजिनल एंगल कितना है 90 तो मैं आर साइन थीटा लू किस पर आर लू मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो गया तो एल कितना हो जाएगा एमवीएम फिर से समझाता हूँ सुनना ध्यान से ऑब्जर्वर सुनो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पर समझ जाता है ऑब्जर्वर इधर है पार्टिकल इधर है ऑब्जर्वर के देखने वाला लाइन ऑफ एक्शन देखो देखने वाला कहना इसे वो इसके अलॉन्ग देख रहा है ना उसको तो ये ऑब्जर्वर का एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन है पार्टिकल इधर है ना अभी तो देख भी इधर जब खड़े रहकर देखेगा तो इधर ही देखेगा ना ऐसे तो लाइन ऑफ एक्शन उसे कहते हैं जिसके अलॉन्ग ऑब्जर्वर देख रहा है तो अभी जब पार्टिकल इधर तो लाइन ये ऑब्जर्वर किसके अलॉन्ग देख रहा है इसके अलॉन्ग ना और पार्टिकल इसके अलॉन्ग जा रहा है तो बोलो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पार्टिकल इसके बीच में एंगल कितना है थीटा कितना है थीटा बट कॉन्सेप्ट ये कहता है एंगल थीटा नहीं होना चाहिए एंगल कितना होना चाहिए 90 एंगल कितना होना चाहिए 90 तो उसको 90 करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उसको 90 करो और तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया हमने इसको ऐसे लिया बोलो अभी एंगल कितना हो गया 90 बट जो परपेंडिकुलर पहले जो उनके बीच में डिस्टेंस आर था वो आर रहा कि आर साइन थीटा तो एल क्या हो गया एमवीआर साइन यस और नो यस यहां पे ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ एक्शन क्या ये है और पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन ये है बोलो ओरिजिनली ही इनके बीच में एंगल 90 है ना तो कुछ करने की जरूरत है क्या नहीं तो वो थीटा ही कितना हो गया 90 तो वो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा एमवीआर मैं समझा आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस और नो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट भी ऐसे ही होता है कैलकुलेट भी ऐसे ही होता है आप लाइन ऑफ एक्शन बनाओ किसका ऑब्जर्वर का आप लाइन ऑफ एक्शन बनाओ किसका पार्टिकल का फिर दोनों को ट्रेस करो और दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसको किससे मल्टीप्लाई करो लीनियर मोमेंटम से किससे आपको मिल जाएगा समझ आ रहा है हाँ। सर अगर इसी को आर को ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो फिर आप ना वी को ये करते हो रिजॉल्व क्या करते हो वी को रिजॉल्व देखो ऐसा बोले ये क्या हो जाएगा mv cos theta और ये क्या हो जाएगा बोले ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ एक्शन है हां ये पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन है बोले एंगल कितना हो गया 90 अरे बाबा ये देखो ना यार एंगल कितना हो गया यहां पे 90 तो ये थीटा 90 ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया पर अभी आप जो लीनियर मोमेंटम लोगे वो mv लोगे कि mv sin theta sin theta l कितना आएगा sin theta नहीं समझा
बट आप हमेशा क्वेश्चन में आर को ही, इसको कुछ मत करना बी को, हमेशा आर ही फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू सर्च आर साइन थीटा, यू ऑलवेज ट्राई टू सर्च आर साइन थीटा, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। पता है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, देखो मैंने बताया भी था कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए, और ऑब्जर्वर इधर था, समझा, ये देखो पार्टिकल इधर जा रहा था ऐसा एम यू कॉस थीटा के साथ, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है ऐसा, ऑब्जर्वर के देखने वाला लाइन ऑफ एक्शन कैसा ऐसा है, बराबर ना, और ये एंगल थीटा था उनकी, बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, बट मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, तो क्या होगा आर, बढ़िया आर साइन थीटा खुद किसके इक्वल था, हाइट, दैट्स व्हाट मैक्सिमम हाइट, देखो उधर हमने ये किया एम यू कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई किया था हाइट से, तो वो क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में हमेशा क्या लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो लाइन ऑफ एक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r sin θ क्या आ रहा है, तो फिर l क्या होगा, mvr sin θ होगा क्या, mvr होगा, तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है वो एंगल हमेशा 90 होता है, वो एंगल हमेशा कैसे होता है, बोलो इधर आएगा फिर भी 90, इधर आएगा फिर भी 90, इधर आएगा फिर भी 90, तो l कभी भी mvr sin θ नहीं होगा, l हमेशा क्या होगा, l हमेशा क्या होगा, mvr, सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन, कभी भी साइन थीटा वाला टर्म यहाँ पे नहीं आता, साइन थीटा वाला टर्म सिर्फ किसमें आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर मोशन, यस और नो, और वो साइन थीटा आर साइन थीटा कैसे निकालते, समझ गया ना, ऑब्जर्वर को ट्रेस करो, ऑब्जर्वर सॉरी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करो, फिर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, वो कैलकुलेट करो और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, उसके लीनियर मोमेंटम से, किससे, समझा, ऑब्जर्वर को वैसे ही रहने दो, किसके लाइन ऑफ एक्शन को ट्रेस करो, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ एक्शन में, ये लाइन ऑफ एक्शन है, उनके बीच में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से किसके इक्वल होता है, फिर क्या करने का, एम भी लेने का और आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने का, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही आर साइन थीटा हाइट बन जाता है, अलग अलग जगह पे आर साइन थीटा अलग अलग होगा, आपको खाली वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पहचान लोगे तो समझ जाएगा, दो तीन क्वेश्चन करूंगा मैं एमसीक्यू तो क्लियर हो जाएगा कैसे भी, बट समझ गया अभी, हाँ। ये फॉर्मूला समझा, बोले ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर, सो दिस इज फॉर अ पार्टिकल, ये और किधर भी एप्लीकेबल नहीं है, फाइन, हेलो, समझ में आ रहा है, ये फटाफट नोट डाउन करना, इसके बाद में बॉडी के बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा एग्जाम पर करोगे तो समझेगा, ये समथिंग मुझे एप्लीकेशन दिए, दो तीन बार रिवाइज करो, समझो कुछ चल रहा होगा, चलो अभी अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो इधर देखो, पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो क्या होगा, और ऑब्जर्वर इधर है तो बोलो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर, ये लाइन ऑफ एक्शन ये रहा और ऑब्जर्वर ये रहा ना, तो बोलो अभी कहां चला गया, ये तो उसका आर हो गया ना, सही है, हेलो, तो कौन सा डिस्टेंस, ये वाला लू कि ये वाला लू, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा ना उनके बीच में परपेंडिकुलर, तो मोमेंटम निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे, ये वाला डिस्टेंस, सर आर साइन थीटा आ रहा है कि आर कॉस थीटा आ रहा है कि आर टेन थीटा, फलाना ढंका कुछ भी है, आपको सिर्फ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होते रहते हैं, द ओरिजिनल फॉर्मूला डज नॉट कंटेन आर साइन थीटा, the original formula contains what, perpendicular distance between the observer and the line of action and that perpendicular distance can involve anything, don't be behind r sin theta, wo yahan pe aa raha hai, zaruri nahi har jagah pe, clear hai wo, samajhta hai kya,
बायो कितना करेक्शन है? नहीं है। और क्या बोल रहा करेक्शन है? नहीं है अपना नहीं है ग्रुप का नहीं आया बायो का करेक्शन नहीं क्यों समझे कि चार हाँ फिर इसमें दो करवा दिए हो
हेलो चलो अभी ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना एमवीआर ये वाला जो एमवीआर है ये एमवीआर किसका होगा पार्टिकल का होगा कि बॉडी का होगा पार्टिकल ना हाँ. क्योंकि हमने किसके लिए लिया है रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन तो ये किसका होता है पार्टिकल दिस इज फॉर अ पार्टिकल तो जब भी पार्टिकल का डिस्कशन हो रहा है तब भी किसका डिस्कशन हो रहा है आर्टिकल तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एमवीआर इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एमवीआर साइन थीटा आया ना Now, if a body is performing rotational motion, तो उसका angular momentum देखो क्या होगा ध्यान देना है रोटेटिंग बॉडी का ध्यान देना है पे अटेंशन फॉर अ रोटेटिंग बॉडी कैसे निकालूंगा देखो मैं बोलो हमारे पास है ना फॉर लीनियर मोशन पी क्या होता है पी पी बार इज एम बी बार ना फॉर रोटेशनल मोशन बोलो क्या होगा पी क्या बन जाएगा पी एल ना एम क्या बन जाएगा आई वी क्या बन जाएगा ओमेगा क्या बन जाएगा ये ओमेगा तीन चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर मोशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन For a body performing rotational motion, for a particle performing linear motion, L क्या होगा? For a particle performing circular motion, L क्या होगा? And for a body performing rotational motion, L क्या होता है? I, where I is moment of inertia of the given body. I is the moment of inertia. आपको अगर याद होगा तो omega कैसा vector होता है? एक्सेल वेक्टर ना कैसा होता है तो एल भी कैसा होता है एक्सेल याद है ये हेलो ये भी कैसा वेक्टर होता है एक्सेल वेक्टर इसका डायरेक्शन हम किसे फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से याद है कर्ल फिंगर्स गिव्स द सेंस ऑफ रोटेशन ना And thumb indicates the direction of omega. Omega. And that omega will give the direction of L. अगर वो clockwise जा रहा है clockwise, ये कैसे anti-clockwise? बोलो anti-clockwise में thumb कहाँ जा रहा है ऊपर? तो omega का direction किधर होगा ऊपर? तो L का direction किधर होगा ऊपर? Clockwise में thumb कहाँ जा रहा है नीचे? तो omega का direction किधर होगा नीचे? तो L का direction किधर होगा नीचे? याद रखो L.
सो क्लियर है ये। Now I talk about law of conservation of angular momentum. Everyone on the board, very important. Yaad rahe. Everyone on the board. बताया तो सही क्या? रोटेशनल मोशन कौन करता है? रोटेटिंग बॉडी ना? वो तो बताया, और क्या होता है? क्या हो गया? यहाँ पर है? आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना आपने? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? व्हाट डज इट से? हाँ बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पकाओ मत। व्हाट डज द लॉ से? नेट फोर्स, स्प्रेड फोर्स कुछ नहीं होता है, कुछ बकवास मत करो। What do you mean by law of conservation of linear momentum? External force zero है तो इसका momentum conserve नहीं। क्या कहेंगे हम लोग? और linear motion का ध्यान देना है। और linear motion कौन सा बोला है अभी? बोला linear motion के लिए we have law of conservation of momentum. जो ये कहता है कि अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? जीरो है, मतलब जो भी हो रहा है वो सब इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। किया होगा ना आपने इसके अंदर की रॉकेट प्रोपल्शन का, firing of a bullet from a gun, yes or no? Explosion of a bomb, yes or no? ये सब में जो action करता है वो कौन करता है? External force या internal force? लगने वाला external force कैसा है? Zero. External force का अगर मैं नाम लू तो gravity ना, सबसे बड़ा force कौन सा है? Gravity, which is an external force, yes or no? So gravity ये सब कौन सा force है? External force. हम एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, तो अगर उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? जीरो। जो भी हो रहा हो किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनल फोर्स। मैं जब बुलेट फायर करता हूँ उसमें ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, मैं आई एम जस्ट ट्रिगरिंग इट ना, तो अंदर का स्प्रिंग जो है उसको पुश कर रहा है, तो अंदर का बोला ना मतलब फोर्स कौन सा है यहाँ पे? एक्सटर्नल की इंटरनल। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो भले मैं ऊपर से नीचे फेंकू, ग्रेनेड है तो कुछ से थोड़ी फूटने वाला है। I need to remove the pin, ना? जो पिन निकालते तो अंदर इग्निशन होता है ना, और वो इग्निशन की वजह से ब्लास्ट होता है, तो भले ग्रेविटी एक्ट कर रहा है पर बॉम्ब फट रहा है क्या? बॉम्ब का फट रहा है, जो आप क्या निकाल रहे हो उसका पिन, अंदर इज इग्निशन ना, तो इग्निशन एक्सटर्नल हो रहा है कि इंटरनल? इंटरनल। यस और नो? तो सब किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल फोर्स? आप यहाँ पे क्या कहते हो? एक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। देयर इज नो एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ना, सो बाय डिफॉल्ट यू से एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? जीरो। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यू नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी अपॉन डीटी, एंड यू आर सेइंग कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ये जो फोर्स होता है ना फॉर्मूला में एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, मोमेंटम चेंज करने का काम किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का। पर आप कह रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये जीरो, तो dp by dt क्या है? जीरो। दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है? जीरो। दैट इज dp इज जीरो ना, सो यू आर सेइंग दैट चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। चेंज जीरो है मतलब क्या? मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। मोमेंटम कैसा है?
मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बॉम्ब लिया है तो एक्सप्लोजन होने के पहले भी एक्सप्लोजन होने के बाद भी मोमेंटम कैसे रहेगा सेम। बुलेट फायर किया है तो बुलेट फायर होने के पहले भी बाद भी मोमेंटम कैसे रहेगा सेम। मोमेंटम रिमेंस व्हाट कंजर्व द मोमेंटम रिमेंस सेम। आया ना? दैट इज इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है ये? Is it fine? Yes or no? और अभी यहाँ पे मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूँ क्या एंगुलर मोमेंटम? तो रिप्लेस इट विद एंगुलर टर्म्स। किससे रिप्लेस करोगे आप? सो नाउ फॉर रोटेशनल मोशन ध्यान देना है। पे अटेंशन हियर। तो बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन की। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रोटेशनल मोशन? एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो टॉर्क वगैरह क्या बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है? एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है? जीरो। एक ऐसा फोर्स है रोटेशनल मोशन करवाता है। क्या करवाता है? वो यहाँ पे कितना है? जीरो। कितना है वो? जीरो। तो लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो बोला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेट कर पा रहे हो? हेलो बोलो। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो डीएल बाई डीटी कैसा होगा? जीरो ना। बोलो डीएल कैसा होगा? जीरो। तो एल कैसा रहेगा? तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट when the external torque is zero. बाहर से लगने वाला फोर्स जो रोटेशनल मोशन करवाता है अगर वो जीरो है वो कैसा है? जीरो। हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कैसा रहता है? कांस्टेंट। फाइन। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब इसको आगे कैसे वर्क करेगा? इतना क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है ये कि नहीं? चलो आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करूंगा। नोट लिखो यहां, पे अटेंशन ये एवरीवन। बोले एल का फॉर्मूला क्या होता है? आयो मेरा। हेलो 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 बोलो। इफ टॉर्क इज अप्लाइड, टॉर्क मतलब क्या? फोर्स ना। बोलो फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो ओमेगा चेंज होगा ना। सो इफ टॉर्क इज अप्लाइड ओमेगा विल चेंज, एंड इफ ओमेगा विल चेंज एल विल चेंज ना। एल विल चेंज बट इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो बोलो ओमेगा कैसा रहेगा? सेम। कांस्टेंट ना। तो क्योंकि ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा, बॉडी सेम है तो आई भी सेम रहेगा ना। तो ओमेगा रिमेंस सेम, इसलिए एल कैसा रहता है? कांस्टेंट। समझा क्या? ये रीजन होता है एल कांस्टेंट रहने कि बाबा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो when there is no external force, there is no external acceleration, there can be no change in velocity, and if there is no change in velocity, there can be no change in momentum. Yes or no? Yes. So momentum will remain the same. When there is an external force, there is an external torque, omega or v will change. And if the omega is changing, L will change, momentum will change. But if there is no external force, omega will not change. And if omega will not change, L will remain constant. We are ये होता है क्या? Law of conservation of angular momentum. We are ये बोलो उत्तर में।
ध्यान देना है आप अटेंशन दे। बोलो यहाँ पे एल क्या है? कॉन्स्टेंट है बराबर ना। सो एफ एल इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज एल आई ओमेगा?
I omega is constant na, and if I say I omega is constant, I can say I is inversely proportional to what? Omega. I किसको इन्वर्स होता है? Omega. समझा गए? Yes. तो जब भी law of conservation of angular momentum apply होता है, तो हम हमेशा कौन सा relation use करता है? I is inversely proportional to omega. This is the most basic thing you use in numerical. आप क्या कहते हो? कि I और omega का relation कैसा है? Inverse. कैसा है? Inverse. ये रहा ये. समझ में आ रहा है? तो अगर I कम होता है तो omega बढ़ जाएगा. I बढ़ जाएगा तो omega कम हो जाएगा. And you know I depends upon mass, distribution of mass, position of axis of rotation. आया ना? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को, मास के डिस्ट्रीब्यूशन को, मास के डिस्टेंस को अगर कम ज्यादा करोगे तो आई चेंज होगा ना, और आई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? ओमेगा. और रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स. बट ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब वैल्यू कैसा है? ये तभी वैलिड है, हर जगह पे नहीं अप्लाई करने का. अब हर जगह लगाने बैठ जाए ऐसा एप्लीकेबल नहीं. ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी से दैट एल इज कांस्टेंट. सो वी से I is inverse proportional to omega. I can also write, I know that L is I omega. If I talk about a basic particle of a body, what is the moment of inertia? Mr square. सही है? Yes. बोला L कैसा है? Constant है. और L भी तो constant है ना, body का mass थोड़ी कभी बदलता है. तो R square omega कैसा रहेगा? Constant. तो बोलो R square किसको इन्वर्स होगा? Omega. अरे अभी तो बोला मैंने कि R चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. हां. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? I. और I चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? Omega. समझ में आ रहा है? Yes. रिलेशन कैसा है? इन्वर्स. Yes or no? Yes. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मान लो अगर मैं ऐसा कंसिडर करूं कि फॉर अ बॉडी मतलब बिफोर पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो है एल वन विच इज आई वन ओमेगा विच इज एंड आफ्टर जो एल है दैट इज आई टू ओमेगा दैट इज बट हियर एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है? जीरो. तो बोलो एल कैसा रहता है? कांस्टेंट ना. बोलो एल कांस्टेंट है तो बिफोर और आफ्टर में जो एल आ रहा है वो कैसे रहेगा? सेम. हेलो हेलो हेलो. ये क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? फाइनल. यस और नो? सो व्हेन यू से एल इज कांस्टेंट देयरफॉर व्हाट डू वी से? एल आई इज इक्वल टू व्हाट? एल फाइनल ना. तो बोलो यहां पे देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? आई विल ओमेगा एल1 विल बी इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर व्हाट डू वी से? आई1 I2 omega. Yes. बोलो omega को क्या लिख सकते हो? मैं 2 pi n ना. जब पढ़ाई गई है सब तो क्या लिख सकते हो फिर? I1 into therefore I1 n1 is equal to what? I2. Thank you.
हो गया करते हैं अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. पे अटेंशन है अभी तक. So now when I talk about applications of law of conservation of angular momentum, I know that L is an axial vector है, तो उसका magnitude भी होगा और direction भी होगा, आया ना? Yes. You also have magnitude plus the direction. Fine. अब ध्यान देना यहाँ पर. जब हम बात करते हैं about magnitude and direction, attention on the board of these. हम जब magnitude की और direction की बात करते हैं, so याद रखना, L being an axial vector, और जब magnitude की बात करते हैं L की, तो it may और may not change. कि एल का जो मैग्नेट्यूड है ना, मैं बात कर रहा हूं जब एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई नहीं करते, आई एम टॉकिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आया ना? तो एल का जो मैग्नेट्यूड है, व्हेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग ऑन, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, स्टिल देयर इज अ चांस व्हेन एल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट्यूड मे और मे नॉट चेंज, दोनों पॉसिबिलिटी. पता है हमने ग्रेविटेशन में किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम पे, देयर वाज केपलर सेकंड लॉ ना, हमने कहा तो था कि केपलर सेकंड लॉ क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हर जगह पे एल कैसा था, कॉन्स्टेंट, बट हर जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ एल जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एल वो चेंज हो रहा था, बोले एमवीआर था ना, तो जब वो दूर जा रहा था तो आर बढ़ रहा था और वी चेंज हो रहा था, हां V और R का प्रोडक्ट कैसा था, सेम था, बट बिफोर आफ्टर का जो एंगुलर मोमेंटम था वो अलग अलग था ना,
एंगुलर किस में अलग था मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन वाइज जो है डायरेक्शन वाइज वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इट नेवर चेंजेस। एक बार एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन फिक्स हो गया वही राइट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अरे मैग्नीट्यूड बिफोर आफ्टर में अलग अलग होता है ना, फिर आप कंपेयर करते हो उसको कंपनसेट करते हो, है ना, बट डायरेक्शन एक बार जो फिक्स हो गया वही रहेगा, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। मैग्नीट्यूड तो वो चेंज कर रहा है ना भाई, ये पॉइंट पे कुछ और है, ये पॉइंट पे कुछ और है, ये पॉइंट पे कुछ और है ना, ओवरऑल कैसे रहता है सेम, ओवरऑल कैसे रहता है सेम, बट बीच बीच में चेंज करते रहता ना अपने आप को, यस और नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फिर इनिशियल होगा फाइनल होगा इक्वेट करके हम सेम करते हैं उसको, बराबर ना, बाय टेकिंग द इक्वेशन, बट एल का डायरेक्शन एक बार जो फिक्स हो गया वो सेम रहेगा, कैसा रहेगा सेम, इट विल रिमेन द सेम, क्लियर है ये? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, वी अंडरस्टैंड कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अब इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है वो वैलिड आंसर होता है, जिसमें वो जो वैलिड आंसर होते ही और शी फॉलोज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता है इसके ऊपर, जिसमें वो आई और ओमेगा को चेंज करता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, व्हाट इज द रूल, हाउ डज इट वर्क, आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो यहाँ पे, सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट एप्लीकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैलिड आंसर हियर, और अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, अ रोटेटिंग चेयर, बेसिकली दोनों में देखो वो क्या है अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वैलिड आंसर को देखा कभी, इनका स्पोर्ट भी होता है ओलंपिक, एक अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो एक ऐसा डांस जिसमें ना जो भी डांसर है उसको रोटेट करना है, क्या करना है रोटेट, उनका पूरा बॉडी रोटेट करेगा और वो रोटेशन के टाइम पे उसको स्लो और फास्ट होना है, क्या होना है स्लो और फास्ट, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टाइम बढ़ाना है, नंबर ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टाइम कम करना है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल मैं चेयर का लेता हूँ कि मान लो एक चेयर इसके ऊपर व्हील है ना, तो मैं उसके ऊपर बैठा हुआ है तो खड़ा हो और मैंने हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, जैसा और तो पहले मैंने जो भी हाथ में वेट पकड़ा है ना उसका आउटसाइज रखा है ऐसे, अब मुझे चेयर के रोटेशन का स्पीड बढ़ाना है कम करना है, बढ़ाना है कम करना है, बढ़ाना है कम करना है, ये फॉलो करना है, आई वॉन्ट टू फॉलो दिस, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ये तो समझ में आता है कि नहीं, जैसा और नोटिव माई पॉइंट, देखो हाउ डज इट वर्क, बैलेट डांसर वाला समझो, पहले जो बैलेट डांसर होता है वो पहले जो मोशन स्टार्ट करता है वो स्लोली स्टार्ट करता है, पहले तो उसको रोटेट करना है ना, तो रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है टॉर्क, अब इतना तो सुना होगा आपने, लॉन्ग ऑफ मोशन भी कर लिया, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो, तो वो फ्लोर से क्या जनरेट करता है फोर्स, वो अपने आप का सब पुश करता है, इफ यू वॉन्ट टू रोटेट आप किसका सपोर्ट लेते हो फ्लोर का ना, मुझे अगर रोटेट होना तो मैंने किसका सपोर्ट लिया फ्लोर का, मैं अपने आप को फ्लोर से पुश कर रहा हूं, है ना, तो फ्लोर से पुश लिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और घूमना शुरू किया मैंने, है ना, ये खत्म हो गया इधर टॉर्क, पर आप ये नहीं बोलोगे एक्सटर्नल टॉर्क है यहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था इस बार, फोर्स वो होता है जो हमेशा रहता है, फोर्स कैन नॉट बी हिस्ट्री, फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, है ना, और मैंने क्या किया मैंने टॉर्क को कंटिन्यूअस रखा कि लेके छोड़ दिया, लेके छोड़ दिया ना, अरे बोलो यार, फोर्स से फ्लोर से मैंने पुश दिया एंड देन आई लीव इट, बराबर है, तो टॉर्क प्रेजेंट है कि चला गया, आप बोल के देयर इज नो टॉर्क, देयर इज साथ में रहता, मैं बार बार फ्लोर से पुश ले रहा हूं अगर तो मैं क्या कहता टॉर्क है, और मैंने पुश लेके छोड़ दिया ना, और जब पुश लेके छोड़ा है ना तो जो वैलिड आंसर है उसने अपने हाथ को बाहर रखा है, अभी के लिए जो थम ये जो उसके हैंड्स है वो कैसे आउटस्ट्रेच्ड, दे आर आउटस्ट्रेच्ड, यस और नो,
रहे जब हाथ दूर होगा तो जो हाथ का मास है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रोटेशन नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है कि दूर, तो आई ज्यादा होगा ना तो ओमेगा तो वो स्लोली घूम रहा होगा ना। अभी इसको क्या करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस को बढ़ाना है, नंबर ऑफ रोटेशंस को बढ़ाना। बोले यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टॉर्क है क्या? नहीं, जीरो है। मतलब टॉर्क कैसा है? जीरो। टॉर्क कैसा है? जीरो। और टॉर्क जीरो है मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल कैसा होना चाहिए? सेम। चलो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो कैसे आई और ओमेगा का रिलेशन कैसे हो जाएगा इनवर्स? उसको ये पता है, उसको क्या बढ़ाना है? नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना पड़ेगा? ओमेगा। ओमेगा बढ़ाना मतलब क्या कम करना पड़ेगा? आई। बोला आई कम करने के लिए व्हाट कैन ही डू? बोलो बॉडी का मास तो चेंज नहीं कर सकता ना, अचानक घूमते घूमते मास तो चेंज नहीं होगा। बोलो क्या चेंज कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या चेंज हो सकता है? तो क्या करेगा, पहले हाथ बाहर रखा था ना, अभी किधर लेके आएगा? अंदर ना, ऐसा और लो। तो बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो दूर था अभी कैसा हो गया? नजदीक हो गया। तो आई बढ़ गया, कम हो गया? आई कम हुआ तो आई जीरो से उसी ओमेगा ना यार। हेलो, तो बोलो ओमेगा बढ़ जाए, उसका नंबर ऑफ रोटेशंस में इंक्रीज। बट एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम। आई1 एल1 विल बी इक्वल टू एल2, आई1 ओमेगा विल बी इक्वल टू आई2। इसमें पूछा होता है कि पहले नंबर ऑफ रोटेशंस कितना था, अभी नंबर ऑफ रोटेशंस कितना हो गया, फाइंड आउट। क्लियर है ये? तो बोलो उसने कौन सा मोमेंटम, कौन सा लॉ यूज किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे कैसा है? जीरो। आधे लोग यही सोचता सर पहले उसने घूमने के लिए टॉर्क लगाया ना, फोर्स इज समथिंग व्हिच ऑलवेज हैज टू बी देयर। फोर्स लग के चला जाना वो कभी कंसीडरेबल नहीं होता। आप बोलोगे सर थ्रो किया फोर्स तो लगाया ना, लो थ्रो करने वाला फोर्स लगा दिया, फोर्स है ना अभी, बोला कंसिडर नहीं होता। समझ में आ रहा है? जो फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है वो ही कंसिडरेबल होता है। क्या आप बोले टॉर्क है उससे पैर उठा लिया ना अपना और फिर घूम रहा है, तो टॉर्क है कि चला गया? मतलब एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट है कि नहीं है? तो एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है? जीरो है। तो क्या हो गया, मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। सो एल इज कांस्टेंट है, और अगर एल कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है। मतलब आई ओमेगा कैसा कांस्टेंट है, तो आई ओमेगा कैसा इनवर्स है। आप आई को कम करोगे ओमेगा बढ़ेगा, आई को बढ़ाओगे ओमेगा कम होगा। और इसका स्लो होना है तो क्या करेगा, फिर से आपको फिर वापस तो स्लो फास्ट स्लो फास्ट होता रहेगा। यू कैन आल्सो ट्राई एट योर होम, आप चेयर पे बैठ जाओ, ये रोटेटिंग चेयर है इसको, एंड यू पुट सम वेट इन योर हैंड, बुक ले लो, बैग ले लो, कुछ भी ले लो, बोलो किसी को घुमा के हट जाए चेयर को, है ना? तो आप जैसे ही बैठे पहले रेस्ट पे था, बोलो उसने टॉर्क लगाया और हट गया ना, अभी टॉर्क कैसा हो गया? जीरो। टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। पहले आपने दोनों में जो वेट पकड़ा है ना उसको बाहर पकड़ा है, तो बोला चेयर फास्ट ओमेगा स्लो, क्योंकि आई ज्यादा है ना ओमेगा कम। अब धीरे 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 वेट को अंदर ले लो, तो बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है? आई विल डिक्रीज, ओमेगा विल इंक्रीज। सॉरी, आप देखोगे धीरे धीरे आप फास्ट हो जाओगे, है ना? वन सेकंड अगर आपको स्लो होना है तो टू पुल योर हैंड्स आउट, नजदीक लोगे फास्ट हो, दूर जाओगे स्लो, है ना? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कुछ प्रैक्टिकल नेचुरल एग्जांपल्स भी होते हैं। कैट जो भी ना कैट वो इसको नेचुरली अप्लाई करना जानती है। आप कभी भी कैट को पकड़ो बिल्ली को और कैसी भी उछाल के फेंको, थ्रो द कैट रैंडमली, ऐसा पकड़ो उछालो ऐसा, आप सरप्राइजिंगली उसको थ्रो करोगे ना, वो जब भी लैंड करेगी ना उसके फुट पे लैंड करेगी, वो हमेशा बराबर से लैंड करेगी। थ्रो हर रैंडमली, पकड़ से उछालो, उसके बाद क्या करिए आपके साथ बिल्कुल ही मानो, यू कैन ट्राई। जब उसको थ्रो करोगे ना जब वो वापस आएगी हमेशा किधर लैंड करती है, तो मान लो देखो कैसे, देखो अब मैंने उसका ऐसे थ्रो किया, तो अभी उसका जो बैक है वो फ्लोर की तरफ है और जो फेस है वो ऊपर है, तो उसको पैर पे आना है ना, तो उसको पलटना पड़ेगा, ये सॉरी, तो बोलो पलटना पड़ेगा तो फास्ट ना, बोलो उसको ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा ना, आई को कम करना पड़ेगा, वो क्या करेगी?
अपने आप को स्क्वीज करे, यहाँ ना हाथ पैर से अंदर ले रही, यहाँ ना और फट से घूम जाएगी, ऐसा और क्लियर है ये? तो ये उसको एडजस्ट करना आता है। तो ये सब वो किसे करती है, एंगल ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल ऑफ मोमेंट, सही है। इसके ऊपर एक स्पोर्ट भी होता है ओलंपिक्स में, डाइविंग का, कभी देखा है डाइविंग का स्पोर्ट जिसमें लोग जंप करते हैं एंड इन द मिडल ऑफ द एयर दे परफॉर्म स्टंट्स ना, और उसमें एक स्टंट जो होता है ना दे परफॉर्म फ्लिप्स ना, कि कितनी बार वो फ्लिप करेगा, है ना। तो फ्लिप करने में एक दो तीन कितने रोटेशन होते हैं, जितना मैक्सिमम रोटेशन होता है उसके ऊपर उनको पॉइंट्स मिलते हैं। कोई दो करता है, कोई टू एंड हाफ करेगा, कोई थ्री एंड हाफ करेगा, कोई चार करेगा, है ना। इंडिया वाले दो दो एंड हाफ में खत्म हो जाता है, चाइना वाले करते तीन चार, है ना। चाइना वाले बहुत कुछ ज्यादा ही करते हैं, अभी चार लोग आप लोग की दो है हर दिन शाम को अगर आप टिकट लेके बैठ जाते हो ये ऊपर वाले एक बार खाली कोरोना लेके आ जाए, कल से इतना पढ़ाई करूंगा छोड़ दूंगा सितंबर में, कोल्ड भी खत्म हो जाएगा। अरे यार कोल्ड का टेंशन हो गया था ना, सही है। हर रात जो साथ, हर शाम जो साथ अपनी कुर्बानी था ना गिरने पड़ने की ऊपर वाले सुन लिए, ऊपर वाले कुछ तो कर ले मन में ना, दो चार चाइनीज रुपए लेके आया था उठा के, बोले चलो हम टू इंडिया देखो ना अभी भी मान ही रहते हैं अभी भी बोल रहे हैं लोग दुबई वाले इतना पैसा कोविड को भी खरीद ले, बोले चलो आ जाओ अभी भी हम तो दुबई करके इधर ध्यान तो खत्म नहीं हुआ है, क्या एंजॉय करने लगे उधर। तो देखो अभी जो डाइवर डाइव करता है ना, तो उसको फ्लिप्स नंबर ऑफ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्लिप्स वो करेगा ना उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलता है उसको। तो उन्हें नंबर ऑफ फ्लिप्स नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाना है तो आई कम करना पड़ेगा ना। तो आप हमेशा देखो वो स्पोर्ट जो अपने आपको स्क्वीज करता है, वो अपने हाथ को पैर को जितना चाहिए उतना नजदीक लेता है ना, पूरा फोल्ड कर लेगा अपने आप को और फिर रोटेट करता है ना, और फिर जब पानी के नजदीक पहुंचता है पूरा ओपन अप हो जाता है ना, और वो स्ट्रेट अंदर जाता है। तो जब पानी के नजदीक ओपन अप होता है ना तो स्पीड कम हो जाता है, सो ही और शी इज एबल टू डू द प्रॉपर डाइविंग, समझ में आ रहा है। तो बीच में स्पीड बढ़ाना है रोटेशन का, तो क्या करेगा, बॉडी को स्क्वीज करेगा क्या और फैलाएगा, इसके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, ओमेगा विल इंक्रीज। और जब वो पानी के नजदीक जाता है तो उसको बराबर स्ट्रेट जाना है, तो क्या करता है ओपन अपना स्लो हो जाता है, क्लियर है ये। इस तरीके से वर्क करता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, समझा। डायरेक्शन वाला भी है, ये तो बहुत फेमस है, ये हर यूट्यूब वीडियो में आपको मिलेगा, वो करके शांत पट्टी करते रहते हैं, वो साइकिल और रस्सी लेके आते पता है, साइकिल का टायर सब तो है ना ऑनलाइन वाले, उनको तो वो क्या कर दिया, बाप रे ये भगवान ने करके बहुत पुराना 100 साल 150 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है वो, आज तक वो रस्सी में तार रस्सी वस्सी लेके गले में घूमते रहते हैं, अच्छा लगता है पूरा फिजिक्स उनको पता है। मेरे तो फेमस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसने ये कॉन्सेप्ट निकाला था ना उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली होता क्या है, हमने क्या बोला एल नेवर चेंजेस इन डायरेक्शन ना, उसने क्या किया, एक रस्सी लिया, एक टायर लिया, टायर के सेंटर में रस्सी को बांधा और टायर को घुमाया नहीं, और उसने रस्सी को ऐसा ऊपर से पकड़ा, टायर को पहले होल्ड किया ऐसा और फिर छोड़ दिया, तो टायर ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, तो वर्टिकल पोजिशन टायर कैसा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजिशन, आर यू एबल टू विजुलाइज, हेलो टायर भी घूम नहीं रहा, टायर ऐसा था फिर घूम के ऐसा आ गया, है ना। अब वो क्या करता है, टायर को घुमाता है और टायर को पहले पकड़ के रखता है हाथ से और घूम रहा है, हल्के से पकड़ के रखता है उसको, देखो टायर ऐसे घूम रहा है मान लो, तो टायर का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो टायर का डायरेक्शन ऐसा है तो बोलो एल इज एन एक्सेल वेक्टर, तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है क्लॉकवाइज ना, तो एल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ना। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, कि जब तक एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लगेगा, एल का डायरेक्शन कैसा,
तो एल को अपना ये डायरेक्शन मेंटेन करना है ना, जब तक क्या ना लगे प्लॉट। तो अब वो ये टायर को छोड़ देता है, पहले टायर गिर रहा था ना, अभी नहीं गिरता है, अभी घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एल को अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना। अगर ये टायर गिर जाएगा तो एल का डायरेक्शन जो पहले इधर था अभी वैसा हो जाएगा ना, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज, तो अपने आप को मेंटेन करता है। इसीलिए आप जब साइकिलिंग करते हो ना, तो अगर आप साइकिल लेके से खड़े हो रेस पे और आप अपने दोनों पैर उठा लोगे तो गिर जाओगे ना साइकिल लेके, बट ऐसे चलते टाइम नहीं होता है ना, आप पेडलिंग करते करते रुक जाओ, ये दोनों पैडल, फिर भी साइकिल गिरता है कि चलते रहता है, क्योंकि एल को अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है। अनलेस यू डोंट अप्लाई ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करके ऐसा रुक जाओ गिर जाओगे ना, होता है रोज रोज करता है रोज अगेंस्ट द लॉ जाने का ट्राई करता है कि आज तो बच जाऊंगा, लॉ है वो है भाई, एक कम हिंदी बनाकर बैठिए। अरे एटी में कोई जब साइकिल चल रहा है तो टायर एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, तो ऐसा है एल का डायरेक्शन, वो फिक्स रहेगा, सो इट विल नॉट स्टॉप, विल कीप ऑन मूविंग, क्योंकि उसको एल का डायरेक्शन मेंटेन करना है। कब तक? जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करते। ब्रेक अप्लाई करो तो आपने एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई कर दिया ना, तो एल चेंज होगा, फिर रुक भी सकता है, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जब तक आप उसको कुछ भी नहीं करोगे वो अपने एल के डायरेक्शन को हमेशा मेंटेन करेगा। क्लियर है ये? इसलिए अर्थ मून वगैरह जो है ना कभी चलना रुक, मतलब उनका जो मोशन कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अर्थ मून को एल का डायरेक्शन मेंटेन करना है ना, अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ही घूम रहा है, मून ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ही घूम रहा है ना, तो एल का डायरेक्शन की तरह ऊपर उसको मेंटेन करना है, उसको ये मेंटेन तो घूमते रहे। जब तक कोई एक्सलेट और नहीं रखता तब तो घूमना नहीं छोड़ने वाले, किसने आके रोक दिया आपने और रुक जा तो फिर एल विल चेंज ना, फिर देन दी एल विल चेंज, बट जब तक ये नहीं होता है तब तो घूमते रहेगा। इसलिए अर्थ एंड मून कंटिन्यूसली कीप्स ऑन रोटेटिंग रिवॉल्विंग विदाउट एनी वी कैन से चेंज, क्योंकि उसको एल का डायरेक्शन जैसा है वैसा ही रखना है, यही लॉ है नेचर का कि एल का डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं हो सकता, कोई बाहर वाला आके करेगा तो चलेगा, मतलब पहले टायर ऐसा घूम रहा था मैंने पकड़ के रोक दिया ना, पर पकड़ के रोका मतलब ये क्या था एक्सेल टॉर्क, फिर पहले ऐसा घूम रहा था मैंने ऐसा घुमा दिया तो ये चेंज चलेगा, पर वो खुद से कभी देखा है कि ऐसे घूमते घूमते अचानक ऐसे घूमने लगा नहीं ना, कि साइकिल चल रही है आपने पेडलिंग करने छोड़ा ले पीछे जा रही है नहीं ना, बोले क्या हो गया ये, टेल द पॉइंट यू डोंट अप्लाई एक्सेल टॉर्क, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखो नेचर कितना ब्यूटीफुल एंड सिमेट्रिकली डिजाइंड है, अगर वो एल खुद का डायरेक्शन अपने आप चेंज कर सकता तो ये सब लोचे होते ना, कार चल रही है पीछे बोले मेरे को नहीं आने आगे एनीथिंग कैन हैपन ना, बट एल वांट्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, देयरफॉर जो डायरेक्शन में आप उसको लेके जाओगे वो डायरेक्शन में जाते रहे विदाउट एनी चेंज। क्लियर है ये? बोले ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज इट फाइन? हेलो, तो बंद हो गया क्या? नहीं। आप